नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन लोगों को कड़ा झटका दिया है जो दूसरे धर्म में शादी करते हैं, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिकाकर्ता का कहना था कि मैंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादी की है और मैं अपने जो वैवाहिक जीवन है उसे खुशहाल तरीके से जी रही हूँ, लेकिन मेरा परिवार इस पूरी शादी से आहत है और वो हमारी खुशहाल जिंदगी में अड़ंगा अड़ा रहे हैं। इस पूरी याचिका में ये भी कहा गया था कि जो परिवार है उस पर रोक लगाई जाए, वो जिस भी तरह से हमें परेशान कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर एक धर्म का कोई शख्स दूसरे धर्म के किसी शख्स के साथ शादी करता है तो सिर्फ ये जो शादी है, ये जो धर्म परिवर्तन किया गया है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि शादी करनी है, तो ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे वैध नहीं मानता है। याचिकाकर्ता की याचिका को तो खारिज कर ही दिया गया है, साथ ही साथ किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई देखिए, ऐसा है, अगर आप किसी से सिर्फ शादी कर रहे हैं और इसलिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ये इसलिए वैध नहीं है क्योंकि आप जिस भी धर्म को अपना रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। मान लीजिए कोई हिंदू लड़की है और वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है या फिर वाइस वर्सा आप देख सकते हैं, तो इस धर्म की लड़की को दूसरे धर्म के लड़के के जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी उनकी धार्मिक पुस्तक है, जो भी उनके ग्रंथों में लिखा गया है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे में ये जो सिर्फ शादी की गई है, ये जो सिर्फ धर्म परिवर्तन किया गया है, ये मकसद के तहत किया गया है, इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे अवैध बताया है और जो ये याचिका डाली गई थी इसको खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने नूरजहां केस का भी हवाला दिया है, इसमें भी एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की थी, तो उसका हवाला देते हुए भी हाईकोर्ट ने यही कहा कि आप जो धर्म अपना रहे हैं वो आप किसी मकसद से अपना रहे हैं, आप उसे मन से नहीं अपना रहे हैं, आपको सामने वाले के धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, आप सिर्फ चूंकि उसके साथ शादी करना चाहते हैं और सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना कहीं से कहीं तक भी वैध नहीं है। तो ऐसे में जो याचिकाकर्ता है उसकी याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आप अपने बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने जाइए, वहां पर आप अपनी बात रखिए और वहीं पर इस केस को सुलटाइए, इसमें हाईकोर्ट कुछ नहीं करेगी। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह के मामले अब ऑलमोस्ट सामने आने लगे हैं जहां पर एक धर्म का जो कोई शख्स होता है वो दूसरे धर्म के लड़की या लड़के से शादी करता है और इसको प्यार का नाम दिया जाता है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने तो अपना रुख साफ कर दिया है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा।